आवाज सुनाई दे रही झरने की बहुत तेज। जा यहाँ से जा। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. आज है भाई day 2 चंडीगढ़ के अंदर और अभी मैं बस नहाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा चंडीगढ़ एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। उसके बाद शाम के कुछ अलग प्लान्स हैं। टाइम हो चुका है इस समय 3 बज रहे हैं दोपहर के, तो यार ऑलरेडी मैं ना लेट हो चुका हूँ आज बहुत ज्यादा, मतलब लेट सो के उठे। तो अब बस देखते हैं, नहा कर आता हूँ और चलते हैं चंडीगढ़ थोड़ा बहुत घूमने। तो जो भी घूमूंगा तुम्हें दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। बाकी शाम का अच्छा एक प्लान है, हम लोग डिनर वगैरह बाहर करने जाने वाले हैं, तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा। वीडियो में बने रहो, देखते रहो वीडियो, एंजॉय करो। चलो गाइस, फाइनली मैं हो गया हूँ रेडी और ये लोग भी लगभग रेडी ही हैं। आदू को बस ये शू पहना रही है और चलते हैं नीचे भाई, चंडीगढ़ घूमने चलते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। सबसे पहले तो ना भैया भूख लग रही है बहुत तेज। आदू छोटे, ये किसका फोन लेके जा रहा है? एवो भाभी, आद्या आद्या को बैग दियो, ये वाला बैग दे दे। ओके बाय बाय आदू, बाय बाय। क्या आप अकेले जा रहे हो क्या घूमने? चलो भाई चलते हैं अब नीचे सीधा गाड़ी के पास। और बहुत 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 लेट हो चुका हूँ ना, तो लिमिटेड टाइम है। शाम का भी जो प्लान है वो कैंसिल ना हो मेनली, और जहाँ हम घूमने जाने वाले हैं वो तुम्हें देखने को जगह मिलेगी ही मिलेगी। सब कुछ पैक वैक कर लिया, सब कुछ रख लिया है, बहुत ज्यादा जल्दी में है, तो चलो चलते हैं। पापा तो है नीचे ऑलरेडी और हम 3 जने बस निकलेंगे। चलो भाई चलते हैं नीचे। चलो मम्मी। अरे भाई पापा हैं गाड़ी में। और गाड़ी की हालत देखो जरा, अच्छा साफ करी है इन्होंने। सही है थोड़ी सी साफ हो गई ना, बहुत ज्यादा ही गंदी पड़ी थी। फोन आपका ले आए हैं, गुड़िया के हाथ बता, गुड़िया गिरा रही थी बार बार। चलो भाई आलू का फोन है, तुम बैठो भाई। चलो आगे छोटे, और किसी को नहीं बैठने देगा क्या? मम्मा आ रही है, मम्मा बैठेगी, मम्मा आ रही है। चलो अब सबसे पहले चलते हैं कुछ खाने, है ना? कुछ खाने चलते हैं भाई। भाई पता है चंडीगढ़ को ऐसे भी वैसे क्लीन सिटी नहीं कहते, क्लीन बहुत है, दिल्ली से तो बहुत ज्यादा क्लीन है। अभी चल रहे हैं हम लोग रॉक गार्डन, रॉक गार्डन के बीच में देखते हैं अगर कुछ खाने को मिलता है तो। चलो गाइस फाइनली हम लोग आए हैं यार, पार्किंग की जगह तो मिल नहीं रही है, यहीं पे लगाई है। मम्मी डैडी को यहीं बिठाते हैं, मैं जरा ऑर्डर देकर आता हूँ। अरे भाई अपने छोले भटूरे। तो गाइस खाना खा के हम लोग निकल लिए और अब बस बचा है 5 किलोमीटर बचा है यार। दीदी के घर से ना ज्यादा दूर नहीं था, 18-1 किलोमीटर दूर था। आ गए हैं, देखो भाई चंडीगढ़ कितना क्लीन है यार। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर गुड़गांव जाते वाली रोड पड़ती है ना, वो एमएससी वाली रोड, वैसा सा ही एरिया है ये, कंप्लीट सारा ही चंडीगढ़ लगभग ऐसा ही है। चलो भाई पहुंच गए हैं रॉक गार्डन, हम उतरते हैं जरा रॉक गार्डन, देखते हैं क्या है रॉक गार्डन के अंदर, बड़ा वीडियोज में देखा है अभी तक। चलो मेरे मम्मी पापा। आदू उठ गया, सोता हुआ आया है, सोता हुआ आया है, सॉरी रोशनी। हाय करो, यहाँ पे ऐसे हाय कर दो, हाय। तो जब भी आप लोग आओगे यहाँ पे, कार पार्किंग की जो चार्जेस हैं वो हैं भाई 20 रुपए के 2 घंटे, ठीक है? पार्किंग तो बहुत चीप है। टिकट्स ले लिया भाई, और टिकट के जो चार्जेस हैं वो हैं 10 रुपीस 3 to 10 ईयर्स के बच्चों के लिए और 30 रुपए पर एडल्ट की। अब चलते हैं, ये खड़े हैं लोग, चले भाई चले। अबे लिमका विमका पीते हैं क्या? लिमका पीते हैं क्या? इतना छोटा बच्चा कोई लिमका पीता है? गिरानी नहीं है। ओ बेड़े। बस चलो भाई चलो आजा। देखो ये एंट्री है, देखो भाई अब तुम रॉक गार्डन देखो, यहाँ लिखा है कीप द गार्डन क्लियर, इट इज योर प्रॉपर्टी। सारा ना रॉक की चीजें ही हैं, ये मटकी वटकी भी जो रखी है सब पुरानी है। तो एक जगह है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट यूज बाय पद्मश्री लेट नेकचंद जी, ये लिखा हुआ, और ये वो सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हैं यहाँ पे। तो आगे ना जो मेन है वो झरने जहाँ बह रहा है ना, उस वाले पार्ट में हमारे को जाना है। रॉक गार्डन फॉर द वर्ल्ड। देख रहा हूँ पतली पतली सी गुफाएं बना रखी हैं, पानी की आवाज आ रही है आगे ना, झरना नजर आया ये।
ये है आपको पीछे देखो एक झरना, ये काफी अच्छा है। नहीं अभी आगे चलेंगे ना, अभी आगे और है। मैं तो आया हूँ ना पहले, मैं तो आया हूँ। ये तो अभी कुछ नहीं, स्टार्टिंग है। यहाँ जाएंगे ये देखो आ जाओ आ जाओ। ये देखो भाई जड़े वड़े ऐसी मैं कह रहा हूँ मन तो कुछ ऐसा हो रहा है कि इसमें झरने में नहा लिया जाए, लेकिन ये नहाने के लिए नहीं है। अगर अभी यहाँ पे नहा सकते होते ना, तुम्हारा भाई कपड़े एकदम उतारता और तुरंत एकदम नहाने घुस जाता यहाँ पे। पानी का कलर तो दिखा दे नहाने के लिए। कलर बेशक ऐसा ही हो गया है, लेकिन यार ये जो है ना, जो झरना बह रहा है इसमें नहाने का मजा आ जाएगा। तुम ये देखो जरा, इधर पानी इधर पानी, और ऐसे ना इधर की साइड पानी है, कभी इधर है कभी बीच में है, तो बड़े ध्यान से चलना अगर तुम लोग आओ तो, क्योंकि गिर भी सकते हो। ये एक पतली सी गुफा, यहाँ चलते हैं भाई। फिर थोड़ा सा चौड़ी जगह, अब देखो भाई चलते हैं। डू नॉट क्लाइम ऑन वॉल्स, यहाँ आके बांदर ना बने। ये बंद कर दिया क्या? ये बंद है, ये देखो भाई। प्लीज कीप द रॉक गार्डन, अच्छा है तो वही लिखा है। देखो ये सारा रॉक से बना हुआ है भाई, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा काफी। अच्छा है ना? अबे देखना भाई, ये देखो चलो पेड़ देखना भाई, अगर रात में इसको देखोगे ना डर जाओगे, सांप आप आ गया। अबे ये है तो वही जगह लगभग, इसका रास्ता यहीं से भी था। नहीं यहाँ से नहीं था, देखो ना ये वाला जो रास्ता था, ये हमें यहाँ पे चलने के लिए इस जगह पे पूरा ऐसे घूम कर आना पड़ा। फिर है क्या यहाँ पे? तो ये है भाई देखो, रॉक गार्डन छोटे। अब चलते चलते एक और ये गुफा मिली है। गुफा क्या है? ये ब्रिज का रास्ता ही है। यहाँ से चलेंगे, कितना अंधेरा हो गया। इस वाले पार्ट पे हम निकल के आ गए हैं। ये ब्रिज है ना जो तो तुम्हें अभी साइड से दिखाया था, ये वही वाला ब्रिज, ये रहा वो ब्रिज भाई। तो इतने पतले पतली जगह, उतरो उतरो। बहुत ना पतली सी जगह है, लोग कहते सर उठा के जियो, यहाँ सर झुका के चलना पड़ता है। ये देखो सारी चीजें जितनी भी है ना, सब रॉक की बना रखे हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको रॉक गार्डन कहते हैं। ये देखो भाई, ये क्या जेल टाइप है क्या? अरे दीदी एक काम कर, इधर आ, तेरे को एक जगह तेरे लिए मिल गई रहने के लिए, इधर आ।
इधर आ इधर आ, या तुझे बंद करना पड़ेगा, तेरे को बंद कर देना। वो कुंडी भी खुली है, ये देखो कुंडी खुली है। अबे भागने का रास्ता भी है इधर। तेरे को जेल में जाना ही पड़ेगा, हमारी आज्ञा दे दे, तू जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा। बाय बाय। अब तुम आना नहीं, अब तुम नहीं आना, जाने का रास्ता भी है बाला है। अबे यार इसको अभी बंद करवाना पड़ेगा। आजा आजा आजा, तेरे पास हमारी आज्ञा है, अगर आज्ञा नहीं होती ना तो यहीं छोड़ जाते। ये जेल है ऐसे लोगों के लिए जैसे दीदी है। आदू आदू अभी तक ये सोच रही है हुआ क्या। ये देखो विशिंग वेल के नाम पे एक ये पुरानी सी ये लगा रखी है कुएं की, वो बंद है। और देख किसी समझदार ने नोट भी डाल रखे हैं, तेरे को इस वाले विशिंग वेल में डाल देते हैं। मैं इस विशिंग वेल में आऊंगी नहीं, ये मेरे लिए काफी छोटा है। नहीं नहीं तेरे को डाल दे तो सारे पैसे कलेक्ट करके यहां से करता हूं। आ जा, जब तू बड़ा हो जाएगा ना, देख इन लोगों ने सब ने तेरे को ऐसे कर दिया था कि मेरे पास मत आ, तेरे मामू ने लिया है। आ जा आ जा, ये देखो ये है वो झरना, ये दूसरा झरना है। आवाज सुनाई दे रही है झरने की, बहुत तेज, बहुत तेज आवाज भाई झरने। आदू आदू वो क्या है, अच्छा पानी इतना सारा, अच्छा इसको वो दिख गए भाई। झरने की आवाज बहुत अच्छी आ रही है, चलते हैं आगे और देखकर आते हैं और क्या है। ना फूलों से सजा रहा है। A few moments later. ये जा रहे हैं हम डॉल म्यूजियम की साइड, देखते हैं अंदर डॉल म्यूजियम क्या है। ये है देखो डॉल म्यूजियम, डॉल म्यूजियम है भाई ये। अबे नहीं कांच वांच लगा रखे हैं भाई नून वो बेटे। ये शायद है वो, ये उसकी बुआ की लड़की, ये उसके ताऊ का लड़का, ये बालक के खेल रहा है, ये लड़की नाच रही है, और ये दादाजी अपने दो पोतियों के साथ, घोड़े हाथी ये सब जंग वंग पे जा रहे हैं भाई, जैसे हम लोग प्रेयर में बैठते थे ना स्कूल में। ये अच्छा बना रखा है मोर, ये आंटी देखो सारी आंटियां मटका लेके ऐसी खड़ी हैं बहुत टाइम से। ये था देखो डॉल म्यूजियम। ओए अबे अंदर तो आ गए हैं, बाहर कैसे जाएं। ये सारे मारने के लिए खड़े हैं भाई, देखो डंडे डुंडे लेके। तू मारेगा, तू मारेगा, सारे मारूंगा सबको एक एक को। टूटी भी चूड़ियों में बनाए हुए देखो ये ड्रेसेस, देखो शेर मोर, ये सब चूड़ियों से बना रखे हैं उन्होंने, स्टोन उसके ऊपर चूड़ियों की ड्रेसेस। देखो भाई कैसे क्या कर रहे हैं ये। अगर तुम रात में इनको देख लोगे ना, ये भी देखो भाई, ये था भाई डॉल म्यूजियम। ये हाई फाइव दे रहा, आ जा इधर आ,
तो ये जो डॉल म्यूजियम का था ना, यहीं से एग्जिट था। चलो गाइस, वहां से तो रॉक गार्डन से निकल गए हैं, अब सीधा हमारे को जाना है अंबाला। तो अंबाला जाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अभी घर, उसके बाद चलेंगे अंबाला। आदू चले बेटे, चले चलेंगे, चलें क्या? पापा है वहाँ पे, पापा पापा के साथ चलेंगे अंबाला। चलो गाइस फिर अब घर निकलते हैं, घर निकल के फिर जीजू को साथ लेंगे और अंबाला चलेंगे। भाई देख रहे हो तुम कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। हम लोगों ने प्लान करा था कि घर जाएंगे और जीजू के साथ जाएंगे हम लोग अंबाला, लेकिन यार बारिश इतनी है, मम्मी डैडी बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो सिचुएशन को देखते हुए अब ये प्लान बन रहा है कि यार घर पर ही डिनर लेके जाते हैं और फिर वहीं एंजॉय करेंगे। इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, और मजा आया हो वीडियो के अंदर तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पेन से ध्यान रखें, गुड बाय।